हेलो दोस्तों, मैं दिनेश रावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल विजडम इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर हम में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। वो टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो शुरू करते हैं नंबर वन से। नंबर वन पे सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस की टीम, जो कि फोकस करती है हमारे प्रोसेस के ऊपर, जो शुरू से लेके लास्ट तक का जितना भी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमारे प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है वो फोकस करती है प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसा है उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं नंबर दो पे। यहाँ पे हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है वो किसी भी तरह के संभावित कारण जिससे हमारे प्रोडक्ट को नुकसान हो सकता है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये पिक्चर पर दिखा रहा हूँ कि जो हमारी पकी हुई फसल है उसको बारिश से बचाया जा रहा है छाते की मदद से। ये एक एग्जांपल है छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है वो चेक करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है वो चेक करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नंबर तीन पे। नंबर तीन पे जो हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है वो प्रोएक्टिव रहती है। प्रोएक्टिव का मतलब है जैसे हमारे प्रोडक्ट को होने वाले किसी भी नुकसान से सुरक्षा का प्रोसीजर प्रोसेस में ऐड कर देती है, ताकि हमारे प्रोडक्ट को किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि ये लाइफ जैकेट जो है इनको बोटिंग में चढ़ने से पहले से ही लाइफ जैकेट जो है पहना दी जाती है, ताकि किसी भी तरह के किसी एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल की टीम जो रिएक्टिव रहती है। रिएक्टिव का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम को ढूंढती है और प्रॉब्लम के सामने आने के बाद उस पर ज़रूरी एक्शन लेती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको ये डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उसकी जब डूबने की हेल्प की आवाज़ सुन के उसके बाद उसे जो है प्रॉब्लम से निकाला जाता है। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं नंबर चार पे। यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टीम, जो कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग करती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है क्वालिटी के जो सारे क्वालिटी पैरामीटर्स है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और बात, ये टीम जो है हमारे प्रोडक्ट के फाइनल होने के बाद ही क्वालिटी को टेस्टिंग करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के सारे पैरामीटर्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ क्वालिटी अश्योरेंस की टीम, जो कि ऑडिट का काम करती है और चेक करती है कि प्रोसेस की क्वालिटी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को मीट कर रही है या नहीं कर रही है। और क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है प्रोडक्ट को शुरू होने से लेके प्रोडक्ट के फाइनल होने तक के सारे प्रोसेस को मॉनिटर करती है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं नंबर पाँच पे। यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस टीम, जो कि स्टाफ फंक्शनिंग होती है, और दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल टीम, जो कि लाइन फंक्शनिंग होती है। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी ही दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।